पीछे देखो यार आंटी के कितना पानी आ रहा है, जो बाढ़ आई है ना यहाँ पे इसके मारे। गुड मॉर्निंग मकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। अभी टाइम सुबह के 6:20 हो चुके हैं और मैंने अमन को ना 6 बजे का टाइम दिया था, तो अभी तक आया नहीं है। और हमारी लाइफ का, जैसे सबकी लाइफ का काम होता है ना, सुबह उठकर नहाना, वॉशरूम, सब कुछ ये तो करते ही हूँ। इसके साथ अमन का वेट भी मैं रोज ही करता हूँ, क्योंकि वो रोज लेट ही आता है, कभी टाइम से आता नहीं है। फिलहाल मैं 5-10 मिनट और वेट करूंगा, अगर नहीं आता है तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आज ना बाइक पे गेड़ी मार लेते हैं, बाइक पे थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। क्योंकि अपनी बाइक है जो उसकी बैटरी चार्ज हो गई है, लेकिन बोला है उसने कि इसको चलाते रहना, नहीं तो ये फिर डाउन हो जाएगी, तो पे थोड़ा गेड़ी मारते हैं। क्योंकि मौसम भी बढ़िया हो रहा है, मौसम दिखाऊं आपको क्या जबरदस्त हो रहा है, ये देखो बिल्कुल काले काले बादल हो रहे हैं, बारिश आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा। और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और स्टार्टिंग से व्लॉग देख रहे हैं, आपको पता होगा मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो अगर फॉलो कर रहे हैं तो मेरी ना दो चीज मान लेना, एक सुबह जल्दी उठना और एक थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना। मतलब भाग दौड़ भरी जिंदगी, पूरा काम, ये सब कुछ छोड़ के ना अपने लिए टाइम निकालना, थोड़ा ट्रेवल करना चालू करो, लाइफ ना एकदम मस्त हो जाएगी। और ये घर पर कौवे आगे बैठ गए, तो इसका मतलब कोई गेस्ट आने वाला है क्या? ये सब मेरे को लगता है काल्पनिक कथा है, क्योंकि ना रोज आकर बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज कोई ना कोई गेस्ट आता हो। जय हो शेरावाली माता की, राम राम पिता श्री, दूध चाचा चाय। ये क्या बना हुआ है? चॉकलेट बर्फी है, मम्मी ने सुबह सुबह बना दिया, खा सकते हैं? खा सकते हो? मम्मी डांटे के भोग लगाना ऐसा कुछ? बाय। ओ गणेश भगवान की। अभी तो मैं इस बाइक पर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा था अगर अमन आ जाता ना बाहर खड़ी अपनी जावा चेरी, तो उसको भी लेकर चलते और दोनों बाइक पे ना एक लॉन्ग वाली राइड करके आते। लेकिन चलिए अब अकेले इस पर चलेंगे, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 3-4 महीने से ना कल स्टार्ट हुई है, तो कोल्ड स्टार्ट करके थोड़ी देर इसको खड़ा कर देते हैं। हो जा भाई, हो जा। चलिए हम फोन रखते हैं अच्छे से, पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बिना फोन के ना, फोन के साथ हो नहीं पा रहा, पेट्रोल भी नहीं है इसमें, पेट्रोल भी उड़ गया है सारा। चलिए जी, सबसे पहले पेट्रोल, क्योंकि काफी दिन से पेट्रोल था ही नहीं इसमें, और मेरे को ऐसा भी फील होता है कि पेट्रोल उड़ जाता है। फुल कर दो भैया, फुल हो गए 1000 रुपए में फुल, ये सही है। थार में हमारी 5000 का लगता है, फिर भी अब पता नहीं आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि हवा बहुत तेज है, लेकिन मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना यार, आज बाइक चला के मजा ही आ गया और अलग ही फील आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है क्यों मैं नहीं चलाता था, लेकिन ऐसा मौसम रहे तो मैं रोज बाइक चला लूं। मौसम भी तो ऐसा नहीं रहता ना, दिल्ली में गर्मी हो जाती है, और सुनने में आ रहा है लद्दाख वद्दाख में बर्फ पड़ रही है, तो यहाँ जब भी मौसम ऐसा, देखो यार कितना प्यारा मौसम। और बाइक पे गए, हमारा पोपट हो गया, देखो बारिश हो गई हल्की हल्की ना, लेकिन सही टाइम पे घर आ गए, भीगे नहीं। बेला व्यान और व्यान की मम्मी तो अभी सो ही रहे हैं, हम पूरे में घूम के भी आ गए हैं, टाइम 9 हो चुका है, सुबह सुबह गए थे, अच्छी खासी राइड कर गए। उठा दू क्या, लाइट जला दू क्या? व्यान सो रहा है, और इतने सब उठते हैं ना, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और काफी टाइम बाद मैं ब्रेड खा रहा हूँ ब्रेकफास्ट में, और ये लड़का सो कर उठ कर आ गया है, और बेल अभी आ गई है, और इधर एडिटिंग चल रही है, तो एडिटिंग में अपने आप को देख कर ना बड़े ध्यान से देख रहा है कि ये कहाँ से आवाज आ रही है। व्यान है, व्यान कौन है? व्यान, व्यान अपनी आवाज सुनेगा, ध्यान से देखे जा रहा है कहाँ से आवाज आ रही है, कौन है ये आदमी, है कौन है? भाई भी उठ गए हैं, और भाई का देखो मैंने टी शर्ट की आदत डाल दी, पजामे की भी डाल दी पैंट से, अब इसकी उठने की आदत और डलवानी, मैसेज कर करके ना इतना मैसेज कर दो कि ये जल्दी भी उठने लगे, 10:30 बजे उठ के आया, अब ये कहेगा मैं 4 बजे उठ गया, 6 बजे उठ गया, ऐसे बोलता रहता है। बुखार हो कुछ भी हो भाई, फिट रहो, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, जल्दी उठो, जल्दी सो, लेट उठोगे मोबाइल ऐसे ऐसे करते रहोगे पूरी रात, तो ऐसे सुबह उठ के ऐसे ना पैसों को करो। ओह माय गॉड, लग रहा है बीमार सा तो लग रहा है बेचारा चेहरे से, नहीं तो बहुत स्मार्ट लड़का था ये। माता श्री, मौसम बढ़िया हो रहा है, कुछ पकौड़े शकोड़े बना के खिला दो। चलिए जी, मौसम को देखते हुए हमने पकोड़े शकोड़े बनवा लिए हैं। देखो अभी 11 बज गए हैं, और 11 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, और आते ही पापा देखते हैं, और व्यान ना कर रेडी भी हो गया ही, रेडी हो गया ना के। मौसम देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और इस मौसम में घर रहना अच्छी बात थोड़ी। वैसे ना आज बाइक पे घूमने का पूरा मूड था, मतलब मैंने देखो टी शर्ट भी ना बाइक वाली पहनी है, हेलमेट वाली, लेकिन ये मौसम ये हमें घूमने नहीं देता, इसलिए हम बाइक नहीं चला पाते, कभी गर्मी इतनी ज्यादा, कभी सर्दी इतनी ज्यादा, कभी बारिश ही बारिश। और उसके बाद देखो हमारा दोस्त, ये हमारा ट्रैफिक दोस्त, हमें मिलना ही मिलना है, और ये थोड़े लंबे वाला है, लेकिन मौसम एक नंबर हो रहा है, और ऐसे मौसम में हम घर बैठ जाए, ना 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 ना, घर तो हम बैठ ही नहीं सकते, क्यों भाई? हाँ सही बात है, ये तो पाप देगा भगवान अगर ऐसे मौसम में घर बैठ जाओगे ना। थोड़ी सी बारिश होती है दिल्ली में, पानी देखो कितना भर जाता है, सारा ट्रैफिक इसी की वजह से। सुबह बाइक पे पोपट हुआ, और अब कार पे हो रहा है। हम अगर जो दिल्ली से है ना, पता होगा नारायणा में थे, और नारायणा से ये गुड़गांव में एंटर करने वाले हैं, ट्रैफिक देखो ये, मतलब वहां से यहाँ तक हम ऐसे रगड़ते रगड़ते आ रहे हैं, और ऊपर से जा रही है मेट्रो। देखो ट्रैफिक का एक कारण तो ये है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया डिजायर में, ये वाली कार ठोक दी है मैडम ने, मैडम उधर खड़ी है कार के उधर हो रही। दूसरा कारण मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ऊपर से अगर मैं दिखा सकता ना, देखो एक बार बाहर से दिखाता हूँ, बहुत आगे तक ट्रैफिक है, बहुत लंबा,
आगे पता नहीं एक्सीडेंट है या पानी भर गया है। एक तो पानी भी बहुत जल्दी भरता है ना दिल्ली में। मतलब हमने घूमना तो लंबा सोचा था कि कहीं हाईवे पे लंबा निकलेंगे इस साइड, लेकिन लग नहीं रहा मुझे। देखो ये ट्रैफिक था ना जो इस अपना रोड खाली है, लेफ्ट में देखोगे पूरा ट्रैफिक है पूरा। और ये रास्ता ना एयरपोर्ट जाता है, मतलब जिसकी इस टाइम फ्लाइट होगी यार उसका क्या हाल होगा, उसे तो 2-3-4 घंटे इसी में लग जाने। मतलब हमें भी इस ट्रैफिक में आधा पौना घंटा हो गया और उसके बाद पूरा एयरपोर्ट वालों का क्या हाल होगा। आज बहुत लोगों की फ्लाइटें भी छूट जाएंगी, फ्लाइट छूटेगी छूटेगी, मौसम भी हो रहा है ऐसे भी। देखो ना ऊपर दिख रहा है ना वहां तक हो रहा फ्लाईओवर, क्या देख रहे हो नीचे देख लो हमारा भी जहाँ भी है। हम तो सोचे छूट गए हम तो खुल गए, ये थोड़ी देर का था नीचे भी है हमारा। लेकिन यार आज तो अच्छे फंसे, आज तगड़े वाला पोपट ही पोपट हो रहा है बस। और इस पोपट को हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम फिर कल परसों ट्रिप पे निकल जाएंगे। अब पक्का निकल रहे हम, हमें दिल्ली पसंद नहीं, हम जा रहे हैं दिल्ली से। एक घंटे से फंसे हुए हैं, टाइम मानोगे मैं कितने बजे निकले थे हम, 5:10 हो चुके हैं, 2:30 बजे, 2:30 बजे से लेके अभी तक सिर्फ ट्रैफिक में मुश्किल से मुश्किल हमने 20-30 किलोमीटर चलाई होगी मुश्किल से, वो भी ऐसी ऐसी पूरा दिन चला गया। बहुत बड़ी गलती कर दी ये डिसीजन लेकर। और वापिस जाएंगे तो फिर ट्रैफिक मिलेगा, मतलब वापिस अभी हम मोड़ भी लेना 5 बजे से हमें 10 घर बच जाने हैं, ऐसा ट्रैफिक मिलेगा। ये ट्रैफिक जो है ना इस वजह से देखो पानी कितना भर गया है, पानी पानी हो गया है। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि गुड़गांव में बाढ़ आ गया है, अंधेरा होने को है और हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और हम कितने बजे निकले थे, 3:30 बजे, और अभी बच चुके हैं 6:15। समझ रहे हो कितना टाइम लग गया हमें। और लेफ्ट में तो देखो कारें डूब चुकी हैं भाई, गुड़गांव में तो बाढ़ ही आ गई है। चप्पल हाथ में कैसे कैसे जा रहे हैं, बहुत गंदे वाला ट्रैफिक है भाई, बहुत ही गंदे वाला। मतलब ये रोड जाता है तुम्हारा जयपुर की तरफ, और जयपुर जो इस टाइम जा रहा है ना उसका तो बेचारे का दिन खराब हो गया पूरा, उसे स्टे लेना पड़ जाएगा। मतलब जयपुर चला जाएगा जो और आगे जा रहा होगा, उसे स्टे लेना पड़ेगा। देखना लेफ्ट में पूरा वरना देखो कैसे अंदर जा रही है, पूरा बम्पर चला गया अंदर। बाइक तो बंद ही होगी भाई, ये मोटर लगा रखी है पानी निकालने के लिए, लेकिन पानी ये इतनी जल्दी निकलेगा। गुड़गांव का ना ये नया लेक आ गया एक तरीके से ना, लेक जाना है दमदमा लेक कहीं, तो उसकी जगह इस लेक पे आ जाओ। 2:30 बजे से मतलब कितने 4 घंटे हमें गुड़गांव में ही, बहुत प्लान किया था लेकिन सारा कैंसिल ही हुआ, बस के बम्पर तक पानी आ गया। गलती से दरवाजा वरवाजा खोल दिया ना, पानी अंदर चला जाएगा गाड़ी के। समझदार है भाई वो, भैया का ऑटो भी बंद हो गया, साइलेंसर में पानी चला गया होगा आज का ना, आगे से बंपर गया, पानी है अभी तो बहुत ज्यादा। लो जी ऑटो वाले भैया छोड़ो, गाड़ी भी बंद हो गई, सियाज बंद हो गई अभी जो भैया जा रहे थे ना तेजी से, पानी क्योंकि यार इतना ज्यादा है। वैसे भी मैडम है ना चलाने वाली, और ऐसे में तो ना निकल सकती ना कुछ, और गेट के अंदर पानी जाएगा गेट खोलते ही। अब सोच रहे करूँ क्या, बीच उस पे बंद हो गई। ये भैया का ये वाला ऑटो भी बंद हो गया, जो जो पानी में ले रहा है उसके बंद ही हो रहा है भाई साहब, ये तो गड्ढे में ही चली गई। पानी में ये भी है ना दिखता नहीं है कुछ भाई, इधर उधर चली जाएगी। ये देखो भाई असली तेल का तो यहाँ है, वो देखो पैदल जो चल रहे हैं आधा डूबे हुए हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं एक दूसरे का। भैया देखो मजे ले रहे हैं जिंदगी के, वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, और पीछे देखो यार आंटी के कितना पानी आ रहा है, थोड़ी देर में तो डूब ही जाएंगे ऐसे लग रहा है। ये सारी ट्रैफिक इसके मारे भाई, ये जो बाढ़ आई है ना यहाँ पे इसके मारे, ये बंदा देखो वीडियो कॉल पे दिखा रहा है, ये देखो ट्रक से अंदाजा लगाना कितना पानी। और ये सारे जो जा रहे हैं ना, ये अभी इनका ऑफ हुआ है, सारे ऑफिस से अपने जा रहे हैं, लेकिन ऑफिस से निकले और पानी पानी, इनको सरप्राइज दे दिया भगवान ने। अंधेरा हो गया है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। देखो वहां तक तो ट्रैफिक में फंसे फंसे तंग हो गया, लेकिन अब ये सब देखकर फील आ रहा है बहुत पानी है बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं कि है, हमारी गाड़ी भी पानी में। चलिए जी फर्स्ट स्टॉप ले लिया है, वैसे प्लान ये था, मेरा प्लान ये था मतलब कि जयपुर तक जाएं, टच करके वहाँ पे कुछ खा पी के फिर वापस आएं, लेकिन हम तो गुड़गांव भी क्रॉस नहीं कर पाए। और अभी भी इसलिए रुके हैं क्योंकि सुसू आ रही है, वैसे हम आगे जाएंगे, फिलहाल हम पंचगांव रुक गए हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे और अपना फ्रेश होकर, इतनी देर से हम ये रोके हुए बैठे हुए थे यहाँ पर, पहले कुछ ऑर्डर देते हैं, पहले वॉशरूम चलते हैं फिर कुछ ऑर्डर देते हैं कुछ खाते हैं और उसके बाद। और बारिश बंद नहीं हुई, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो ही रही है, और रुकना बहुत जरूरी था, बाकी लोग भी उतने ज्यादा नहीं है, भीड़ ज्यादा नहीं है, क्योंकि बारिश में कौन ही रुक रहा है नहीं, भूख लगेगी वो वाले बंदे रुक रहे होंगे बस, जिनको ट्रैफिक में फंस के भूख लग रही होगी ना वही है, क्योंकि इधर इधर है जरूरत से ज्यादा बाढ़ ही थी एक तरीके से। चलिए जी इधर आ गया हमारा गार्लिक नूडल, और इसमें देखो मिर्च कैसे कटी हुई है, और इधर है हमारे हनी चिली पटाटो, और दोनों को हम समाप्त करते हैं और फिर चलते हैं आगे। चलिए जी खाना पीना तो हो गया बहुत अच्छे से, लेकिन मौसम भी देखो उससे अच्छा हो गया, इतनी तेज बारिश हो रही है, बारिश ने मजा तो बांधा हुआ है लेकिन बस ट्रैफिक लग रहा है इसकी वजह से नहीं। एक दिक्कत ये है हमारे पास, छतरी है पर गाड़ी है, अब गाड़ी तक ही कैसे जाए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अभी तो हमें गाड़ी तक जाना वो कैसे जाएंगे, बारिश वाकई बहुत तेज हो रही है। लेकिन सच में बिना ट्रैफिक के अगर हाईवे पे निकल जाए ऐसे मौसम में मजा आ जाता है, अगर ट्रैफिक ना मिले और ये बाढ़ ना मिले ना तो अलग ही मजा है, जुगाड़ करो भैया चल लेंगे कार तक। चले जी हमें भैया मिल गए छतरी में, नीली पीली लाल छतरी वाले भैया है भैया, ये भैया हमें छोड़ देंगे और हम भीगेंगे भी नहीं। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, हमने भी गाड़ी पास ही लिया, वैसे हमारे पास
पास देखो है छतरी यहाँ रखी हुई है, दिखाना लाइट जलाना, ये रही, लेकिन हम लेके नहीं गए। बारिश देखो यार क्या मस्त हो रही है, कितनी तेज हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात ये सुबह से ही हो रही है, सुबह जब मैं बाइक से आया जब से लेके अभी तक ये बारिश कंटिन्यू हो रही है, चाहे स्लो चाहे फास्ट, लेकिन बारिश ही हो रही है। पूरा पानी ना अभी पीछे भी भरा मिला हमें। अब हम जा रहे हैं सीधा, बिल्कुल सीधा इसी हाईवे पर, ये जयपुर राजस्थान जाता है। और हम ना देखो यहाँ बोर्ड भी आ गया एकदम लिखा हुआ, इतना होगा आगे जाएंगे, फिर वहां से यू टर्न लेके फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना वाना खाकर अच्छे से फिर घर जाएंगे। अभी हमने मतलब स्नैक्स ले लिया, अभी डिनर बाकी है। आज तो हाईवे भी जाम है, हाईवे भी पैक है आज। चलिए जी, हम सेकंड टाइम मतलब पेट पूजा के लिए रुक गए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन मजा आ रहा है। और ज्यादा आगे हम अब इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक ना हाईवे पे मिल रहा है, और जब ट्रैफिक मिलता है जब मजा नहीं आता। इस दोस्त से तो हम वैसे ही पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और यहाँ हम रुक गए किंग का खाना चूक ना जाना। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब हम खाटू श्याम गए थे तो यहीं पर रुके थे, तो हमने सोचा यहीं रुक लेते, खाना हमें जब भी अच्छा लगा था, और यहाँ से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे, थोड़ा खाना पीना थोड़ा शॉपिंग। जो माहौल के मजे हैं वो असली यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना सिटिंग विटिंग बनी हुई है, वैसे तो बैठ तो पाएंगे नहीं बारिश में, लेकिन वॉक कर लेंगे अगर बारिश थोड़ी सी कम हो गई। अभी भी बूंदाबांदी है, लेकिन यार कमाल हो गया आज, पूरे दिन कंटिन्यू बारिश। और ऐसी बारिश में मन क्या करता है, चाय और पकोड़े का। वैसे तो घर पे बनवाए थे सुबह, लेकिन अभी भी मन कर रहा था। और लास्ट जहाँ रुके थे ना उन्होंने मना कर दिया पकोड़े नहीं, मैंने कहा यार हाईवे पे तो रहते हैं, कह रहे नहीं ब्रेड पकोड़ा मिल जाएगा लेकिन जो मिक्स पकोड़े है ना वो नहीं मिलेंगे। तो हम इधर आ गए वो खाएंगे इधर, क्या बात है यहाँ तो जलेबी भी है। मौसम का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जलेबी वलेबी दूध सब कुछ है। हाँ जब नहीं था, मौसम के हिसाब से लग गई। लो जी इधर आ गई हमारी राज कचौड़ी और अमन का सैंडविच और कॉफी और जलेबी, ये खाने के बाद मीठा तो बनता है। देखो मौसम इतना प्यारा हो रहा है और इस मौसम में जलेबी ना हो, और इसीलिए हम बाहर बैठे हैं। वैसे अंदर सिटिंग है, वहीं बैठे थे लास्ट टाइम भी, लेकिन हमने कहा मौसम बढ़िया हो रहा है तो बाहर ही बैठते हैं। और ऐसे मौसम में आए हाय, मुझे पता आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ऑर्डर कर लो ऑनलाइन। थैंक यू। चलिए जी हमारी शॉपिंग भी हो गई है थोड़ी बहुत, और ये शॉपिंग पता क्यों करी, क्योंकि ये वाले मतलब दिल्ली में वैसे सब कुछ मिलता है, ये वाले शूज थोड़े स्पेशल और ऐसे लगे जो वहां मिलेंगे नहीं, थोड़े राजस्थान साइड ज्यादा मिलते हैं, थोड़े अलग अलग शूज है, मतलब जूती भी काम आएंगे, वैसे भी खासकर कुर्ते पजामे इन पे अच्छे लगेंगे, इसलिए ले लिए। ये उन लोगों की गाड़ी है जो बारिश में आज फंसी है और खराब हुई है ना, जो पानी के अंदर गए थे वो अब ऐसे जा रही है। ये एक और गाड़ी, आज गाड़ियों पे गाड़ी ऐसे देखने के लिए मिल रही है, तीन चार तो मिल गई। क्या दे दूं, बस ये तो मांगता ही रहता है। टाइम देखो 11:30 बज चुके हैं, और आपको रोज का पता ही है 11:30 बजे दोनों को क्या करना है, एक इधर से चालू एक इधर से चालू। क्या है पहला, पूरे रास्ते ना एक बारिश, एक ट्रैफिक, और एक जो खराब गाड़ियां थी, मतलब 50 से ऊपर गाड़ियां जिसमें नई नई भी थी, और वो खराब गाड़ी की वजह से ट्रैफिक रख रहा था। पूरा रास्ता ट्रैफिक में आए, मतलब जाते हुए भी ट्रैफिक मिला आते हुए, लेकिन मजा बहुत आया, अच्छा बहुत लगा। और आप भी कमेंट्स में बता देना आपको लगा नहीं लगा, और लाइक कर देना वीडियो पे, नए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम वीडियो पे एंड करते हैं, क्योंकि 11:30 बज गए, 4 बजे उठना भी है, नींद आ रही है मैं तो फिलहाल, अगर ये सोने देंगे तो फिलहाल इस वीडियो को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू। I saw the city.